जय हो बाबू, जय हो महाराज, जय हो, जय हो। 22 नवंबर के सिनेमा लगा था, का कहे चाहबा। जे भी मैं प्रोग्राम देखा था, सारे भाई लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन बा कि थिएटर में जाई सब है, फिल्म देखी सब है। एगो कम्प्लीटली फैमिली फिल्म बनल बा, सबसे गुजारिश बा कि जाई राजा जी आई लव यू देखी और ओके ढेर सारा आशीर्वाद दें और हम हूँ के आशीर्वाद दें कि हम फिल्म दर फिल्म आप सबके सामने नया नया चीज लेके आवत रहे। धन्यवाद। राजा जी आई लव यू एक डिफरेंट कॉन्सेप्ट है और काफ़ी अच्छी स्टोरी है, फुल भोजपुरी मसाला है। तो आप सभी लोगों को जो इस टाइम सूर संग्राम 3 देख रहे हैं, उन लोगों से रिक्वेस्ट है कि 22 नवंबर को जाके आपके नज़दीकी सिनेमा घरों में हमारी मूवी राजा जी आई लव यू ज़रूर देखें। धन्यवाद। जाते जाते कोनो आसन हमरा के सिखा के चल जा। अश्व संचाल आसन हम इनका के सिखावल चाहते नहीं, अगर सीखल चाहें तो। कहा जाला पैंट फटल आसन। ऑल द बेस्ट आप लोगों के, ऑल द बेस्ट, एकदम चाप दा और हर हर महादेव, थैंक यू सो मच आवे खातिर। तो अभी तक के परफॉर्मेंस के बाद बिहार एकदम ऊंचाई पे आके खड़ा हो गई बाटे, उत्तर प्रदेश सेकंड और झारखंड थर्ड नंबर पर। और हाँ ए भैया, कुछ कहले रही याद बाना, एगो लड़की और एगो लड़का के सर चकरा देवे वाला खुलासा भी हुई भाई यह मंच। अभी तक के नंबर के स्थिति अनुसार सुमित बिहार से, सेना के सुमित भट्ट 33 अंक से एकदम हिमालय पर्वत पे चढ़ के बैठ गए बालन भाभी। और झारखंड सेना से दुष्यंत 23 अंक पाके सबसे नीचे आगल बाड़न। अब बुलावे जाता नहीं यूपी के तरफ से मोहन बाबू, केकरा के भेजबा? हम बुलावे जाता नहीं भैया अपना देवपाल किरण के। बलिया से आवत आड़न देवपाल किरण उत्तर प्रदेश खातिर। हमरे खातिर तोहरा के दुनिया में भेजौले बड़े हैं भगवान, बड़ी फुर्सत से तुहरा के बनौले बाड़े भगवान, बड़ी फुर्सत से तुहरा के बनौले बाड़े भगवान, बड़ी फुर्सत से तुहरा के भगवान।
देवपाल बाबू, बा बा एकदम कमाल का परफॉर्मेंस, कमाल के प्रस्तुति, वाह का कहवा आलोक बाबू। नो डाउट अच्छा लगल हमरा, रोमांटिक गीत बज अच्छा लगल। बहुत बढ़िया ममता, का कहूँ। देवपाल जी आप बहुत अच्छा गाए, बहुत अच्छा। एक कंफ्यूजन है, आप किनको इशारा कर रहे थे ये बताइए, बोलो ना। अच्छा अब इनके गायकी कभी बोलता है नहीं पे मर गए। अच्छा आप गाए, मेरे दिल का एक एक कण मतलब एहसास से अभी फूल गया, बोल भी नहीं पा रहे। जय हो, जय हो, जय हो। पगला गई हो प्यार में, ममता की तो प्रेम हो गई, गैलो हो देवपाल बाबू, खाओ पियो थोड़ा जान भी बनाओ। सुकुंडी राम ऐसे ना ही प्रेम खाते, थोड़ा माल भी चाहिए अंदर शरीर में। जय हो, जय हो। मोहन बाबू का कहवा? बस अच्छा लगल हो, मिजाज में एकदम माहौल के बनैला हो, बढ़िया लगल हो, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत अद्भुत। कल्पना जी का कहा? अच्छा लगा, दो तीन बार सुर से गए, सो 13-13 तो अच्छा था, बहुत अच्छा था। जैसे जा रहे हैं वैसे ही जाइए, थोड़ा और फील, जहाँ जरूरत हो थोड़ी सी और सॉफ्टनेस, ठीक है। आज के लिए 14। वाह 14, मालनी जी से, कल्पना जी से 13। जय हो जा। अब वो समय आ गई बाटे जब हुई सबसे बड़ खुलासा, एगो 9 साल की लड़की के 21 साल के लड़के से प्रेम कथा, एगो गुरु और शिष्य के अमर प्रेम कहानी जानल जाए। लेकिन लेकिन एक परफॉर्मेंस के बाद बताई वो भोजपुरिया, जहां जोरदार ताली के साथ स्वागत करी बिहार के आखिरी योद्धा, केकरा के भेजबा कि भौजी हमसे हंस बोले बतिया बेक परी अदिल लगावे के पड़ी। पुरिया जहान जौन सुने चाहत रहला ना, टेलीविजन के सामने बैठल बाड़ा, खुलासा प्रेम का, वो खुलासा 9 साल की लड़की और 21 साल के लड़का से प्रेम, वो खुलासा है जा, यह खुलासा बाहू। ये जब 9 साल की रहलिन तो इनकर गुरुजी से इनकरा के प्रेम हो गल, और गुरुजी का उम्र 21 साल रहल, आज उनकर उपति देव बाड़न। हम ना बोलब प्रेम का कहानी इनकर बा, हम चाहब
न्यायमंडल की ओर जाए से पहले जब पूरा भोजपुरी जहान के रुका के हम रख ले रनी टेलीविजन पे खुलासा के अपने मुंह से स्वयं भौजी हमार पति हमार गुरु वारन और हमको उनका से बहुत प्रेम करेनी और सबसे पहला बात ई बा कि सबसे पहले जो आबे रहन आते थे मेरे स्कूल में तो वो मुझे सिखा नहीं आते थे तो लेकिन धीरे धीरे देखते देखते प्यार होने लगा मुझे शायद तो नहीं हुआ वो हमरा के प्रपोज कैले बारन पहले हम ना कहनी वही कहलन आज वो जमाना हुआ आज हम दोनों साथ बने वाह ई प्रेम कैसे हो गए और हम चाहा कि जोन लड़का लड़की से प्यार कर ली वो दोनों अपना जीवन साथ बिताए बस इतना कहे के चाहब बस भौजी प्रेम के पुजारन बाड़ीन भौजी प्रेम के बढ़ावे आयल बाड़ीन जिया भौजी जोन भी लड़की लड़का से प्रेम करल अपने प्रेम के संगे रहा भौजी का एक आदेश बाटे माने के पड़ी न तो भौजी के हाथ के कलौजी की आई ठीक बापति देव के दर्शन हो सकेला आपके एजा मंच पे आयल बाड़न एजा कहीं लौकता ना बगैर पति के आयल बाड़ू जी ओ लॉलीटा तू बड़ा न कोई तो मुझे पकड़ लो कोई तो ये असली भौजाई है कोई तो मुझे रोक लो हम पकड़ माने दो वाह इनकर भावे इनकी आंखें का बात बा मान लीजिए विचार की क्लैरिटी वो आपके गाने में भी थी आपने गाना अपने चुलबुलेपन के अंदाज से बड़ा सही गाना चुना जी कुल मिलाकर एक बड़ी नटखट शोक प्रस्तुति और अभी शुरुआत है तो ये मैं बता सकती हूँ कि भी मेहनत बहुत करनी पड़ेगी इनकरा के हम देव तेरा एक अलहड़पन वो जो मालिनी जी ने कहा एक शोक एक अदा है आप में और आप बहुत अच्छा लगता है जो भी हो सुर देखना पड़ता है ताल देखना पड़ता है लेकिन उसके बावजूद ऐसा लगता है कि जो हो रहा है होने दो इसको अच्छा लग रहा है सो उस हिसाब से मैं मार्क्स करूं मार्क्स दूंगी आपको 13 बहुत बढ़िया मान लीजिए से भेटाइल 13 कल्पना जी से भी 13 मुबारक हो धन्यवाद हिंदुस्तान के इतना एंटरटेन करे खातिर जा सके 10 योद्धा के दमदार परफॉर्मेंस के साथ घमासान अपन चरम पे पहुंच गई बा अभी तक के नंबर के स्थिति के हिसाब से झारखंड से ना के दुष्यंत 23 अंक पा के नीचे चल रहा बाड़न अभी भी दो गो योद्धा आवे वाला बाड़न बाकी का होई के पीछे छूटी यूपी बिहार या झारखंड के होई सेव